जैसे ही आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं, आम पापड़। आम पापड़ अक्सर हम कच्चे और पक्के आम का बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ ऐसे आम के पापड़ शेयर करने वाली हूँ कि आप जो यूज़फुल ना आम होकर भी आपके लिए बहुत यूज़फुल बन जाएगा। नमस्ते दोस्तों, बजट की रसोई में आप सभी का स्वागत है। ये हमने 1 किलो आम लाया था अचार बनाने के लिए, पर रात को नहीं कट किया, इसकी वजह से ये हल्का हल्का पक चुका था। तो अब इसका क्या करें, छीलने जा रहे हैं तो अच्छे से ये छीला नहीं जा रहा, तो मैंने झटपट से सोचा कि एक आम पापड़ की रेसिपी इसके साथ आपके साथ शेयर की जाए। इससे पहले भी मैंने आम पापड़ की रेसिपी शेयर की है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप विज़िट कर सकते हैं। ये हमने कुकर में आम को डाला और उसके बाद थोड़ा सा पानी डालकर 2 सीटी लगा ली, और उसके बाद देखेंगे कि पूरा आम जो है अच्छे से पक चुका है। अभी हमें इसमें से निकाल लेना है और जो बचा हुआ है इसको आप फेंकेंगे नहीं, आम पन्ना भी बना सकते हैं। आम पन्ना की रेसिपी मेरे बजट की रसोई पर आप विज़िट कर सकते हैं। तो ये हमने इसे निकाल लिया, अब इसे निकालना बहुत ही आसान है। इस तरह से आम के छिलके को निकाल सकते हैं और पल्प आसानी से अलग हो सकता है। तो इस तरह से मैंने चाकू से भी निकाल लिया है, ऐसे ही नॉर्मली आप दबाएंगे तभी भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप निकाल कर अलग बर्तन में रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पल्प को और छिलके को अलग कर लिया हुआ है, ये देखिए इस तरह से भी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब हमारा काम हो जाएगा, अगर हम छीलने जाते तो छिलका निकालने में काफ़ी दिक्कत आती है और वो अच्छे से निकलता भी नहीं है। तो इस तरह से करेंगे तो फटाफट एक तो टाइम की बचत होगी और फटाफट ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो इस तरह से मैंने सारा का सारा पल्प और छिलके को अलग कर लिया हुआ है। ये देखिए छिलका निकल गया है, जो इसमें गुठलियाँ हैं उसे भी हमें साफ़ करके ले लेना है। गुठलियों का भी बहुत अच्छी रेसिपी बनती है, पर ऐसे अक्सर गांव में होता था कि आम दाल में डालते थे और रख देते थे, जब बारिश आती उसके बाद जो गुठलियाँ तैयार होती थी, आप मानोगे नहीं कि जिसके सामने मिठाई भी फेल हो जाती थी। तो इस तरह से आप डाल भी सकते हैं छपरे पर, छत पे या छपरा जहाँ कहीं पे हो डालेंगे, उसके बाद बन जाता है। जो छिलकों में हमारे पल्प लगे हैं उसे फेंकेंगे नहीं, इस तरह से आप थोड़ा पानी डालकर धो के या थोड़ा सा इसमें डालेंगे तो काफ़ी पल्प हमारे इसमें रह गए थे, तो हमें इस तरह से कर लेना है। क्यों हम वेस्टेज कुछ भी नहीं करेंगे, तो इस तरह से निकाल लेना है। और छिलकों को अगर आप चाहें तो पीतल के बर्तन है उसमें आप उससे साफ कर सकते हैं, बहुत अच्छा साफ़ होता है। इस पल्प को के पानी को हम छान लेंगे और इस पल्प के पानी से पन्ना बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगा। इसमें थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल दीजिए, काला नमक, और ये लीजिए आपका आम पन्ना टेस्टी बन गया है। तो ये लीजिए, इसे साइड में रखते हैं क्योंकि हम आम पन्ना नहीं बना रहे हैं। थोड़ा सा थाली में हम घी लगा लेंगे, इस तरह से ग्रीस कर लेंगे जिससे कि हमें बाद में तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो हमने कढ़ाई में पल्प को डाल दिया हुआ है और उसके बाद हमें इसे में 3 चम्मच शक्कर डाला है। एक कच्चा आम है तो इसमें खट्टा मीठा टेस्ट आएगा, तो हमें मीठा और चटपटा बनाना है थोड़ा सा, तो हमें इस में थोड़ा सा शक्कर शुरू में ही हम ऐड करेंगे जिससे कि पल्प नीचे जले नहीं और शक्कर भी मेल्ट हो जाए, तो जिससे मिठास बनी रहेगी। तो इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे और इसमें जो थोड़ी बहुत गुठलियां हैं या लम्स हैं वो निकल जाएगी और अच्छे से मेल्ट हो जाएगा।
तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे, 2 से 4 मिनट तक इस तरह से चलाएंगे तो ये अच्छा खासा मेल्ट हो जाता है। और जो भी अगर थोड़ी गुठलियाँ हैं उसमें लम्स हैं तो इस तरह से पलटे की सहायता से अच्छे से दबा दबा कर हमें गुठलियों को एकदम ही नॉर्मल, एकदम ही चाशनी के जैसे बना लेना है। इसमें हमें लाल मिर्च का पाउडर, हमें चटपटा चाहिए तो लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच शक्कर यहाँ पर अब ऐड करेंगे, तो जिससे कि जो आम पापड़ बनेगा वो एकदम खिला खिला एकदम चमक की टाइप में बनेगा। तो ये लीजिए, ये आम पापड़ हमारा काफ़ी अच्छा सा कढ़ाई छोड़ने लगा है। तो इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे तुरंत ही हमें थाली में ट्रांसफ़र कर लेना है। ये लीजिए, हमारी थाली पहले ही तैयार थी तो हमें इस तरह से इसे निकाल देना है। आप देखते होंगे बहुत पतला भी बनाया जाता तो थोड़ा सा उसमें अलग से शक्कर थोड़ा सा हमें ठीक नहीं रखना है, नॉर्मली ठीक रखना है। तो यहाँ पे मैंने ठीक रखा हुआ, तो इस तरह से हमें पलटे से चारों तरफ फैला लेना है और अच्छे से पलटे को साफ कर लेंगे और इस तरह से हमें प्लेट में अच्छे से फैला लेना है। इस तरह से आसानी से फैल जाता है, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फैलने में काफ़ी दिक्कत होगी, तो हमें इस एक गर्म ही फैला लेना है। आप चाहें तो इसे रात भर के लिए पंखे के नीचे 4 से 5 घंटे छोड़ देंगे तभी भी ये अच्छे से सूख जाएगा, लेकिन मैंने 1 दिन की धूप दी और ये अच्छे से 3 से 4 घंटे में तैयार हो गया है। तो ये लीजिए, हमारा आम पापड़ बनकर तैयार हो गया है। अपने मन मुताबिक इसे सेप दीजिए। यहाँ पर मैंने काजू कतरी का सेप में कट कर लिया हुआ है, इस तरह से कट किया हुआ है। आप बड़ा बड़ा भी काट सकते हैं, जैसे बाज़ारों में मिलता है चौकोन में भी काट सकते हैं, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसे सेप देना चाहेंगे। तो इस तरह से मैंने कट कर लिया हुआ है और ये लीजिए, देखिए एकदम बाजार जैसा वही कलर और एकदम ट्रांसपेरेंट, हम मेरी उंगलियां भी दिख रही हैं। तो इस तरह से ये देखिए आम पापड़ हमारा बनकर तैयार हो गया, वो भी कच्चे आमों का, बहुत कच्चे भी नहीं थे पक्के भी नहीं थे। नॉर्मली हम कच्चे या पक्के आमों को बनाते हैं, लेकिन आज मैंने आपको कच्चे हल्के पक्के आमों का ये टेस्टी आम पापड़ बनाना बताया है। और ये देखिए बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट और कितना आसानी से निकल जा रहा है, और इसका टेस्ट बाज़ार से भी टेस्टी था। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना भूलना नहीं। मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ, और मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कितना सुपर बना हुआ है, तोड़कर भी आपको दिखाऊंगी। और इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये लीजिए, वाव, मुँह में आ रहा है ना पानी देखकर इस रेसिपी को। बिल्कुल भी आसान है, आप घर पर बनाइए, कच्चे आमों को पक्के आमों को आपको जिसका भी अच्छा लगता है, बनाना बहुत ही आसान है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई कीजिए। जीजिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ, देख रहे हैं बाजार जैसा बिल्कुल स्ट्रक्चर आया हुआ है। तो मिलते हैं अपनी एक नई रेसिपी के साथ।